ये इसका इस तरह से यहाँ से एड्रेस दिखाया, तुरंत बनाए। इस एरिया में सिटिंग के लिए पेशेंट्स की बैठिंग, और ये लेफ्ट साइड रजिस्ट्रेशन काउंटर है सारे, यहाँ कंप्यूटर रजिस्ट्रेशनों का पर्चा बनेगा। राइट साइड फार्मेसी बड़ी जाएगा दिखाने, दवाई उतरने के लिए यहाँ पर। ये खूब बड़ा एरिया हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। ये हमारे पास रेडियोलॉजी सेक्शन है, सीटी है, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे है, लेटेस्ट और अल्ट्रासाउंड है, ये तीनों एरिया। तो मरीज को इसी बिल्डिंग में सीटी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड के लिए यही मिले, कहीं नहीं जाना है। यहाँ पर सीटी का सीटी में टाइम नहीं लगता, हाँ सीटी में तो जल्दी हो जाता है। प्लस एक एमआरआई की कमी थी जो स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमें नहीं थी, उसके लिए सेंट्रल दूसरी स्कीम में कुछ पैसा बच रहा था, तो स्टेट मैनेजर ने हमसे पूछा, तो हमने उसकी डिमांड भेजी है हमारे की, तो हमारे इसी बिल्डिंग में पीछे की तरफ लग जाने की हमने व्यवस्था कर रखी है। भगवान ने अगर नियत हमारे पर दे दी कि उसका पैसा मिल गया, इस बिल्डिंग में MRI भी लग जाएगा। ऊपर NHM से गया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा इमरजेंसी की जो दिक्कत है हमारी, वो हमारी खत्म हो जाएगी। एट द पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट हमें सिटी मिलेगा, ये अच्छी चीज़ है। ये सेक्शन इधर से बंद रहता है, ये पीछे इसकी एंट्री है, ये CSSD कहलाता है। जितने औजार हमारे ऑपरेशन में काम आते हैं, उन सबको पकाने की यहाँ पर आधुनिक मशीनें लगी है पूरा, इसको सेंट्रल स्टरलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट CSSD बोलते हैं। ये पूरा सेक्शन पीछे तक बहुत बड़ा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। आगे जाकर के इस बिल्डिंग नहीं, पूरे संस्थान के लिए वो कार्य करेगा, तो उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लिफ्ट लॉबी यही है ना? जो चेंज हो रहा है उसमें ये भी हो जाएगा। और वो मंदिर क्या है, बाहर की तरफ से रास्ता उसका होता है, परेशानी भी नहीं आ रहा। ये है OPD फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का OPD है, ये OPD है। कंफिगरेशन ये है कि हर फ्लोर पर दो विभाग हैं, एक विभाग के OPD इस तरफ है, एक ही इस तरफ है। यहाँ पर सीटी का सीटी में टाइम नहीं लगता, हाँ सीटी में तो जल्दी हो जाता है। प्लस एक MRI की कमी थी जो स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमें नहीं थी, उसके लिए सेंट्रल दूसरी स्कीम में कुछ पैसा बच रहा था, तो स्टेट मैनेजर ने हमसे पूछा, तो हमने उसकी डिमांड भेजी है MRI की, तो हमारे इसी बिल्डिंग में पीछे की तरफ लग जाने की हमने व्यवस्था कर रखी है। भगवान ने अगर नियत हमारे पर दे दी कि उसका पैसा मिल गया, इस बिल्डिंग में MRI भी लग जाए। ऊपर NHM से गया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा इमरजेंसी की जो दिक्कत है हमारी, वो हमारी खत्म हो जाएगी। एट द पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट हमें सिटी मिलेगा, ये अच्छी चीज़ है। ये सेक्शन इधर से बंद रहता है, ये पीछे इसकी एंट्री है, ये CSSD कहलाता है। जितने औजार हमारे ऑपरेशन में काम आते हैं, उन सबको पकाने की यहाँ पर आधुनिक मशीनें लगी है पूरा, इसको सेंट्रल स्टरलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट CSSD बोलते हैं। ये पूरा सेक्शन पीछे तक बहुत बड़ा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। आगे जाकर के इस बिल्डिंग नहीं, पूरे संस्थान के लिए वो कार्य करेगा, तो उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लिफ्ट लॉबी यही है ना? ये सर जो चेंज हो रहा है उसमें ये भी हो जाएगा। और वो मंदिर क्या है, बाहर की तरफ से रास्ता उसका होता है, परेशानी भी नहीं आ रहा है। ये है OPD फ्लोर है,
पर दो विभाग हैं, एक विभाग के ऊपर इस तरफ है, एक ही फिर जो आपका पूर्वाग्रह रहता है सबसे आगे सड़क विधायक तो हम यही बात करें इससे पहले क्या समस्या है कि आपने यहाँ पर विधायक कुछ नहीं हुआ था थोड़ा तक आपका लोग जाना आपको नहीं 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 ये दूसरा सपना पूरा एसएन मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान के उन तीन प्राचीनतम मेडिकल कॉलेजों में से एक है जिस जो एक समय बहुत प्रसिद्ध था, दूर दूर से लोग यहाँ इलाज कराने आते थे, लेकिन बीच में एक ऐसा कार्यकाल आया जबकि दुर्दशा को प्राप्त हुआ। 2017 में जब जनता ने मुझे दोबारा विधायक बनाया तो मैंने अहद लिया, संकल्प लिया कि इसका अपग्रेडेशन हो, और हमने प्रधानमंत्री जी को पूरा लिखा, माननीय नड्डा जी उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उनसे मिले थे, फिर हर्षवर्धन जी बने उनसे मिले, योगी जी को यहाँ लेकर आया, और डॉक्टर दिनेश शर्मा जो आगरा प्रभारी थे उप मुख्यमंत्री उनको दो बार लाया था, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारे नेतृत्व में कि हाँ ऐसा मेडिकल कॉलेज का विकास होना चाहिए, तो 2018 में प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी विभाग के लिए माननीय प्रधानमंत्री से स्वीकृति मिली, योगी जी ने उसमें अपना अंशदान दिया उत्तर प्रदेश का, और आज जो आप देख रहे हैं कि 5 साल पहले का मेडिकल कॉलेज एसएन मेडिकल कॉलेज और 5 साल आज का एसएन मेडिकल कॉलेज काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। अब यहाँ पर जिस सुविधाएँ मिलेंगी, रेडी लाइन को भी जहाँ मर्ज किया जा रहा है, और नए नए विभाग खुलेंगे, नई फैकल्टीज आएंगी, अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न अस्पताल बनेगा, तो आगरा के मरीजों को दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर इलाज मिलेगा। ये हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी की देन है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, प्रयास हमने किया, आशीर्वाद उन्होंने दिया। हाँ।